आजकल बैंक की लापरवाही से कई खाता धारकों के पैसे उनके अकाउंट से गायब हो रहे हैं। मामला गुरसराय कस्बा के पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां एक महिला ने पंजाब नेशनल बैंक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति के निधन के बाद उसके खाते में 10 लाख रुपए की सहयोग राशि आई थी, जिसे बैंक ने फर्जी तरीके से उसके खाते से राशि किसी और के खाते में ट्रांसफर कर दी। मामला गुरसराय की पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां खाता धारक उर्मिला देवी ने भाषनेर थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके खाते में पति के निधन के बाद 10 लाख रुपए की सहयोग राशि आई थी, जो पीएनबी के गुरसराय खाते में जमा थी। कुछ दिनों पहले फर्जी तरीके से उर्मिला देवी के नाम पर किसी अन्य की फोटो व हस्ताक्षर करके चेक के माध्यम से करीब 10 लाख रुपए उसके खाते से निकाल लिए गए। आपका उर्मिला, क्या समस्या है आपकी? हम पैसा खाते में से अच्छी तरह का बेचा था। कितने रुपए निकल गए? 10 लाख से। पुलिस प्रशासन ने क्या कहा आपसे? जा किया कि तुम तसल्ली करो, हम अपने खाते में से तुम्हें ब्याज सुंदा दें एक एक रुपया से। आप क्या चाहते? हम पैसा चाहती। जब इस मामले में हमारे संवाददाता सोम मिश्रा ने शाखा प्रबंधक से बात करनी चाही तो उन्होंने इस बारे में बात करने से साफ मना कर दिया। पीड़िता व उसके बेटे ने पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत से पैसे निकाले जाने का आरोप लगाया है। वहीं बैंक ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा है कि खाते की जाँच की जा रही है, 3-4 दिन में उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाएंगे। क्या नाम है आपका? अखिलेश रायकवर। क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि यहाँ पे खाते में 10 लाख रुपए जमा थे तो फर्जी तरीके से निकाल लिए बैंक की मिली भगत से। उसमें फर्जी चेकबुक हुई और उसमें फिर उन्होंने चेक एक बारी बारी से पैसे निकाल लिए पूरे 10 लाख रुपए। बैंक वाले लोग क्या बोल रहे हैं आपसे? कहा आपने तो? बैंक वाले बोल रहे हैं कि आपका पैसा दे दिया जाएगा, आपको रुकना पड़ेगा, 2-3 दिन रुक जाइए, 4 दिन की बोल रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस आई थी तो बोल रहे समय दिया है अभी 5 बजे तक का, 5 बजे के बाद हम कार्रवाई करते हैं। भाई पुलिस के अनुसार मामले की जाँच की जा रही है, जाँच के बाद जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। गुरसराय से सोम मिश्रा की रिपोर्ट।